Next, move on the next unit, unit number 6, Children's Day. आपने इसके चिल्ड्रंस डे के बारे में टेक्स्ट बुक में पढ़ा था. टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा कि वो चिल्ड्रंस डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है, और यहाँ पे बच्चे जो थे उन्होंने बड़ी खुशी से इस फंक्शंस को सेलिब्रेट किया. वो स्कूल में गए, उनकी टीचर्स ने उनके लिए सरप्राइज रखा. ये जो है चिल्ड्रंस डे जो है वो हर 20 नवंबर को हर साल में मनाया जाता है, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे कुछ पार्टीज़ वगैरह हुई, फंक्शंस हुए, जिसमें उन्होंने मेले नगमे वगैरह गाए और बच्चों को पेंटिंग का कंपटीशन हुआ, जहाँ पे उसने टीचर्स ने बच्चों को कुछ सरप्राइजेज़ वगैरह दिए. अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वर्कबुक में चिल्ड्रंस डे के बारे में क्या स्टोरी बताते हैं. माई कार्टून फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहते हैं, माई कार्टून फ्रेंड्स. वेन आई वेन इन साइड माई हाउस, जब मैं अपने घर के अंदर की तरफ जाता हूँ, आई सा लिटिल जेरी माउस टिन टिन वाज सिटिंग ऑन द स्टेयर्स. गोफी एंड सिम्बा वाज प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स. यहाँ पे कहता है कि जब मैं अपने घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं एक छोटा जेरी माउस देखता हूँ. टिन टिन वाज सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, टिन टिन जो है वो स्टेयर्स के ऊपर बैठा हुआ है. एंड गोफी एंड सिम्बा जो है वार प्लेइंग म्यूजिकल चेयर्स, वो म्यूजिकल चेयर्स के साथ खेल रहे हैं. डोनल्ड वाज मेकिंग मिल्क शेक, डोनल्ड जो है वो मिल्क शेक बना रहा है. एंड स्कोबी वाज रनिंग अवे फॉर आ रैटल स्नेक, रैटल स्नेक के साथ जो है वो उसके साथ खेल रहा है. योगी बियर वाज ईटिंग हनी, योगी जो है वो हनी खा रहा है. वाज बियर योगी ईटिंग हनी, वो हनी खा रहा है. आई प्ले टेनिस विद बग बनीज, आई प्ले मैं खेल रहा हूँ टेनिस विद बग्स बनी के साथ टेनिस खेल रहा हूँ. पीटर पैन फ्लू ऑल अराउंड, पीटर पैन जो है वो फ्लू अराउंड, वो उड़ाया तमाम हर तरफ. पोपाई थ्रू स्पेनिच ऑन द ग्राउंड, पोपाई जो है उसने स्पेनिच ऑन द ग्राउंड, उसने स्पेनिच जो है वो ज़मीन पे फेंक दी. एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे विच वाज जॉयफुल एंड हैप्पीफुल, एक यानी एक जो बहुत ज़्यादा जॉयफुल और खुशगवार दिन था. इट वाज सैड टू सी माय कार्टून फ्रेंड गो अवे, और मैंने देखा कि मेरे जो कार्टून फ्रेंड्स थे वो सब चले गए. वो बहुत सैड लम्हा था. इट वाज सैड टू सी माय कार्टून फ्रेंड्स गो अवे. When I went inside my house, I saw a little Jerry Mouse. Tintin was sitting on the stairs. Coffee and Simba was playing musical chairs. Donald was making milkshakes. Scobby was running away from a rattlesnake. Yogi Bear was eating honey. I played tennis with Bugs Bunny. Peter Pan flew all around. Popeye threw spinach on the ground. And at the end of the day, which was a joyful and happy, यानी जो सारा दिन था वो बहुत ज़्यादा खुशी से और जॉयफुली से गुजारा. And it was a sad, ये बहुत ज़्यादा गमगीन बात है. To see my cartoon friend, जब मैंने अपने कार्टून फ्रेंड को देखा go away, जाते हुए. नेक्स्ट है, अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको करते हैं. राइट द नेमिंग वर्ड्स एंड द वर्ब इन द करेक्ट कॉलम चूज फ्रॉम द पोएम, यानी आपने कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं एंड द वर्ब्स हैं इन द करेक्ट कॉलम. नीचे कॉलम्स दिया गया है जिसमें एक साइड पे नाउन है कॉमन एंड प्रॉपर, और दूसरी साइड पे वर्ब्स हैं. ये उन्होंने एक पूरा टेबल बनाया है, और उसमें उसने कहा है कि आपने ये जो ऊपर स्टोरी पढ़ी है, ये जो पोएम पढ़ी है, आपने उसमें से क्या चूज़ करना है. नेमिंग वर्ड्स हैं एंड द वर्ब्स हैं इन द करेक्ट कॉलम, यानी एक साइड पे आपने कॉलम लिखने हैं, एक साइड पे आपने नाउन्स लिखने हैं, और नाउन में एक साइड पे कॉमन होंगे और दूसरी साइड पे प्रॉपर नाउन होंगे. तो सबसे पहले कॉमन नाउन में हमारे पास आता है माउस. माउस जो है वो कॉमन नाउन है, और इसके साथ जो है इस स्टोरी में देखें जेरी, यानी जो जेरी उसका जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट है स्नेक. स्नेक जो है वो एक कॉमन नाउन है. एंड टिनटिन, टिनटिन उसका नाम है, तो जो उसका नाम होता है वो एक प्रॉपर नाउन में आएगा. नेक्स्ट है बियर. बियर जो है वो एक कॉमन नाउन है, तो अगर आप उसका नाम लें तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, गोफी. तो गोफी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है. नेक्स्ट है डे. डे एंड
दूसरी साइड पे है सिम्बा, सिम्बा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है वो एक कॉमन नाउन है और अगर उनका प्रॉपर नाम बताया जाता तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन होता, जैसे स्कॉबी, स्कॉबी वो जो है एक प्रॉपर नाउन है। ये हमने ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, ये जो ऊपर पॉइंट थी जिसको हमने रीड आउट किया, इसमें से हम लोगों ने एक साइड पे कॉमन नाउन और दूसरी साइड पे प्रॉपर नाउन को लिखा है, दूसरी साइड पे प्रॉपर। अब हमने उसने कहा है कि यहाँ पे जो वर्ब्स का एक कॉलम है इसमें आप लोग जो है वो वर्ब के बारे में लिखें। वर्ब मीन्स जैसे वो कोई काम कर रहे हो, कोई उनकी शिफ्ट हो, जिस तरह वेंट, वेंट जो है यानी जाना, वेंट ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट सॉ, ये भी एक वर्ब है। फ्लू, ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट है प्लेड, कोई एक्शन परफॉर्म करना उसको हम लोग वर्ब का नाम देते हैं, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद सिटिंग, सिटिंग ये सारे जो हैं ये वर्ब्स में आते हैं। ये हमने पोइम पढ़ी, इस पोइम के में, इस पोइम में उसने कहा कि राइट द नेमिंग वर्ड्स, यानी जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको राइट करें एंड द वर्ब्स, और दूसरी साइड पे वर्ब्स हैं इन द करेक्ट कॉलम, आपने इसको करेक्ट कॉलम में लिखना है एंड यू चूज़ फ्रॉम द पोइम, यानी ये जो ऊपर पोइम थी वहाँ से आपने चूज़ करना है। एक साइड पर हमारे पास जो है नेमिंग वर्ड्स में कॉमन नाउन आते हैं और प्रॉपर नाउन, और दूसरी तीसरा जो कॉलम था वो हमारे पास वर्ब्स का था। कॉमन नाउन में हम लोगों ने माउस, स्नेक, बियर, डे एंड फ्रेंड, यानी कॉमन नाउन में वो आते हैं जिसका कोई प्रॉपर नाम ना दिया गया हो, जैसे माउस है और इसी का नाम अगर आप जेरी लिखेंगे तो वो एक प्रॉपर नाउन में आएगा। स्नेक है, स्नेक को उसने कॉमन नाउन में लिखा और अगर उसका नाम लें टिनटिन तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। नेक्स्ट बियर है, बियर जो है वो भी एक कॉमन नाउन है और उसका नाम उन्होंने क्या लिखा है, गॉफी, यानी उसको क्या नाम दिया है, गॉफी, तो गॉफी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट डे है, ये भी एक कॉमन नाउन है। दूसरी साइड पे सिम्बा है, वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम दिया गया है, कोई प्रॉपर नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये कॉमन नाउन है। और स्कॉबी, स्कॉबी जो है वो उसका फ्रेंड था, उसका कार्टून फ्रेंड था, उसका नाम स्कॉबी था, वो एक प्रॉपर नाउन है, तो हमने उसको प्रॉपर नाउन में लिखा। इसी तरह वर्ब है, वर्ब्स में उसने कहा है वेंट, सॉ, फ्लू, प्लेड एंड सिटिंग, ये सारे जो हैं ये एक्शन वर्ड्स हैं, तो आपने इनको यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखें और नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें आपने इसको फुल करना है सूटेबल प्रपोजिशन के साथ, यानी प्रपोजिशन लगानी है और सूटेबल फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में उसने क्या क्या दिया गया है ये देखें, ये नीचे हेल्प बॉक्स है इस साइड पे, जिसमें नियर है, ऑन है, इन है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रपोजिशन वर्ड हैं, नियर, ऑन, इन, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, ये सारे प्रपोजिशन वर्ड्स हैं। आपने इन प्रपोजिशन वर्ड्स के साथ आपने इस जो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपने इनको फिल अप करना है। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, सबसे पहले आएगा द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग नियर अ लाइन, द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग, स्टूडेंट्स वर आर स्टैंडिंग, स्टूडेंट बच्चे जो खड़े हैं इन अ लाइन, इन अ लाइन एक लाइन में, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, द गार्ड इज स्टैंडिंग, गार्ड जो है वो खड़ा है स्टैंडिंग नियर द बस, द गार्ड इज स्टैंडिंग नियर द बस, द गार्ड इज स्टैंडिंग नियर द बस, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, नियर, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आई है, इन। नेक्स्ट है द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड, यानी टीचर जो है वो ये देखें इस तस्वीर में, द टीचर इज स्टैंडिंग, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड यानी पीछे खड़ी है, द टीचर इज स्टैंडिंग बिहाइंड द स्टूडेंट्स, द बस इज पार्क्ड, द बस इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, इन फ्रंट, the bus is parked in front of the school, the bus is parked in front of the school, the bus is parked in front of the school, the children have school bags, the children have school bags on their shoulders,
ऑन, यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑन। बच्चों ने अपने कंधों पे जो है वो बैग डाले हुए हैं। द चिल्ड्रन हैव स्कूल बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स, द चिल्ड्रन हैव स्कूल बैग्स ऑन देयर शोल्डर्स, ये प्रपोजिशन वर्ड्स थे। हेल्प बॉक्स में आपने इनके साथ ये जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स थी इसको फिलअप किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिल दिस प्रपोजिशन पजल एंड टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे देखें, यहाँ पर प्रपोजिशन पजल है एंड टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। जैसे कि उसने कहा है ये बिहाइंड, ये प्रपोजिशन वर्ड्स हैं, ये हेल्प बॉक्स में उसने दिए गए हैं, आपने इनको फिलअप करना है। तो आपने सबसे पहले क्या आएगा, ओ एंड ऑन, ओ एंड ऑन प्रपोजिशन वर्ड्स हैं, तो आपने इनको हेल्प बॉक्स से लेते हुए इनको फिल करना है। उसके बाद आएगा ऑन कर लिया हमने। नेक्स्ट है आउट, ओ यू टी आउट, आउट वाला प्रपोजिशन भी हम लोगों ने सर्च कर लिया। नेक्स्ट है ओवर, ओ वी ई आर, ओवर, ओवर वाला प्रपोजिशन भी हम लोगों ने सर्च कर लिया। नेक्स्ट है अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर, तो हम लोगों ने ये वाला प्रपोजिशन भी कंप्लीट कर लिया, इस पजल में सर्च कर लिया। बिहाइंड वाला ऑलरेडी उन्होंने हमारी हेल्प के लिए किया हुआ था। नेक्स्ट है थ्रो, टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है बिसाइड, बी ई एस आई डी ई, बिसाइड, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है अबव, ए बी ओ वी ई, अबव, ये वाला जो प्रपोजिशन पजल था ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है अपॉन, यू पी ओ एन, अपॉन, ये वाला भी हम लोगों ने पजल जो है प्रपोजिशन पजल सर्च कर लिया। एंड द लास्ट इज लास्ट, सेकंड लास्ट इज ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ वाला भी कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट इज ए टी एट, ये तमाम जो प्रपोजिशन पजल्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए। लुक एट दिस पिक्चर, उन्होंने कहा है इन दिस प्रपोजिशन पजल टेक हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स, यहाँ पे उन्होंने हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आपने इसकी हेल्प लेनी है। एंड द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, जैसे कि पहला उन्होंने बिहाइंड का एक जो पजल था उन्होंने आपकी हेल्प के लिए इसको कम्प्लीट किया, आपने यहाँ से प्रपोजिशन पजल्स लिए और उनके साथ आपने इसको फिलअप किया है। Next, use words from the box to complete the sentences given below. Use words from the box, boxes से ये जो box दिया गया है behind, into, near, after, by, on, in, under, or to and above. Use words इन अल्फाज को लेते हुए from the box, box से to complete the sentence, आपने sentences को complete करना है given below, जो नीचे sentences दिए गए हैं आपने इस boxes से इन words को लेते हुए इसको complete करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, I, she always walked, she always walked, look at, उन्होंने कहा है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, जिसमें बिहाइंड है, इनटू है, नियर है, एंड आफ्टर, बाय, ऑन, एंड इन, एंड अंडर, एंड अबव, आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए नीचे जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स थी नीचे जो लिखी हुई हैं आपने इनको फिलअप करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है शी ऑलवेज वॉक्ड, शी ऑलवेज वॉक्ड डैश आर एल्डर ब्रदर, बिहाइंड, यहाँ पे क्या आएगा, बिहाइंड, बिहाइंड ये हमने यूज किया और इसको कंप्लीट किया। द डॉग रन, द डॉग रन, इन टू आएगा, नियर आएगा, आफ्टर आएगा, बाय आएगा या अंडर आएगा, कौन सा इसमें प्रपोजिशन वर्ड जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज आएगा। नेक्स्ट द डॉग रन, डॉग रन टू द किटन, यहाँ पे क्या आएगा,
Alia live in my house. The dog ran. Dog भाग रहा है. Over यहाँ पे क्या आएगा? Near the kitchen. The dog ran near the kitchen. The cake is under the fridge. Under the fridge. The light is on. यहाँ पे हम लोगों ने बिहाइंड भी कर लिया, नियर भी कर लिया है, और इन भी हो गया है और अंडर भी हो गया है. नेक्स्ट है द लाइट इज़ टू द टीवी. द बुक इज़ अबव द टेबल. ये सारे हम लोगों ने इस बॉक्स से कंप्लीट कर लिए हैं. यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है, उसने लिखा है राइट 5 sentences अबाउट व्हाई आई लाइक टू गो टू शॉपिंग. यानी आप जो हैं आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप वो उसके बारे में कोई से 5 sentences जो हैं वो लिखें. राइट 5 sentences अबाउट व्हाई आई लाइक टू गो टू शॉपिंग. यानी शॉपिंग करने अगर आप जाते हैं तो आप उसके बारे में जो है वो 5 sentences लिखें. जैसे कि उसने लिखा है आई लाइक शॉपिंग. 5 sentences लिखने हैं. आई लाइक टू गो, यहाँ पे आना था. आई लाइक टू गो शॉपिंग. आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग विद माई पेरेंट्स. आई लाइक टू परचेज न्यू टॉयज. आई लाइक शॉपिंग बिकॉज आई एंजॉय इट. I like to go shopping with friends. ये जो 5 sentences थे जिसमें हम लोगों ने शॉपिंग के बारे में बताया. यूज द वर्ड्स ऑन द बलून टू सॉल्व बर्थडे केक. बर्थडे क्रॉसवर्ड्स आल्सो यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे उसने क्या बलून्स गेम्स कैंडल प्रेजेंट्स. आपने इनको जो है वो उनको फिलअप करना है आप इन बॉक्सेस को. तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा गेम्स. नंबर टू पे आएगा बलून्स. बलून्स नेक्स्ट है प्रेजेंट्स. टी एस प्रेजेंट्स. एंड द लास्ट फोर्थ वन इज कैंडल. Candles. Next, read with phonics, filling in the blanks with OR words from the box below. यहाँ पे कुछ boxes में OR words दिए गए हैं जिसमें cock, torn, corn, sport, born, horse, storm and short. यहाँ पे कुछ OR words दिए गए हैं उनके साथ आपने नीचे जो filling का blanks हैं उनको fill up करना है. Read with phonics यानी ये जो cock, torn,
कॉर्न स्पोर्ट बॉर्न हॉर्स स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट. इनको आपने ये जो ओ आर वर्ड्स हैं इनके साथ ये जो नीचे फिलिंग का ब्लैंक्स हैं उसको आपने फिलअप करना है. द सबसे पहले आएगा द हॉर्स. द हॉर्स पुल अ कॉर्ट फुल ऑफ कॉर्न टू द बर्न. पुट द कॉर्न कॉक बैक इन द बॉटल. पुट द कॉक बैक इन द बॉटल. एंड द नंबर थ्री इज देयर इज अ बैड स्टॉर्म कमिंग टू नाइट, जिसमें हम लोगों ने हॉर्स भी कर लिया और इसके साथ हम लोगों ने कॉर्न वाला भी फिलअप कर लिया. एंड नंबर टू पे हम लोगों ने क्रॉक ये भी फिलअप कर लिया. एंड नंबर थ्री पे देयर इज़ अ बैड स्टॉर्म कमिंग टू नाइट, स्टॉर्म वाला यानी एक बहुत ज़्यादा जो बड़ा तूफान है वो कमिंग आने वाला है टू नाइट. द नेक्स्ट है हमजा वाज बॉर्न ये भी हो गया. हमजा वाज बॉर्न इन नवंबर. आई नीड टू स्टिच अप माई टॉर्न कोट. ये भी हो गया फटा हुआ कोट. आई रोट आ शॉर्ट नोट टू माई शॉर्ट. यहाँ पे आएगा आई रोट टू अ शॉर्ट नोट माई टू माई फ्रेंड. प्लेइंग स्पोर्ट. Playing sport can help to stay healthy. ये ओआर वर्ड्स थे. ओआर वर्ड्स के साथ हमने नीचे जो फिलिंग्स और ब्लैंक्स थी उनको फिलअप किया, जिसमें उसने कहा है कि रीडिंग विथ फोनिक्स. पहले आपने इनको फोनिक्स के साथ रीड किया, जैसे कॉक टॉर्न कॉर्न स्पोक बॉर्न हॉर्स स्टॉर्म एंड शॉर्ट. उसके बाद आपने इनको इन ओआर वर्ड्स के साथ आपने ये जो नीचे फिलिंग्स और ब्लैंक्स थी इनको फिलअप किया है. नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट. इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट उसको कंप्लीट करते हैं, जिसमें है राइट द ए डब्ल्यू वर्ड्स गिवन बिलो इन द करेक्ट बॉक्स. यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपने इसको करेक्टली जो है वो फिलअप करना है. राइट द ए डब्ल्यू वर्ड्स. ए डब्ल्यू वर्ड्स जो हैं उसमें आपने जो है उसको आप ये जो नीचे करेक्ट बॉक्स दिए गए हैं उन बॉक्सेस में करेक्टली उसको कंप्लीट करना है, जिसमें नंबर वन पे है ड्रॉ सॉ रॉ स्ट्रॉ क्लॉ डॉन लॉन एंड यॉन. तो आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना है. इसमें आएगा ड्रॉ वाला कंप्लीट हो गया. इसमें आएगा सॉ, ये वाला भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा रॉ, यानी आपने करेक्ट बॉक्स में लिखना है, ये भी हो गया. नेक्स्ट है यहाँ पे आएगा सी एल ए, यहाँ पे आएगा एस एस, यहाँ पे आएगा एस टी स्ट्रॉन एस टी आर आर ए डब्ल्यू स्ट्रॉ एस टी. यहाँ पे आएगा एस, करेक्टली आपने इसको फिलअप करना है एस टी आर ए डब्ल्यू स्ट्रॉ. नेक्स्ट है रॉ भी हो गया, स्ट्रॉ भी हो गया. नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा सी एल ए डब्ल्यू लॉ, ये भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है डॉन डी ए डब्ल्यू एन डॉन, ये भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है एल ए डब्ल्यू एन लॉन, ये भी कंप्लीट हो गया. एंड द लास्ट वन इज यॉन वाई ए डब्ल्यू एन यॉन. ये सारे हम लोगों ने करेक्टली बॉक्सेस में कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है लुक एट द पिक्चर. Look at this picture. Look at the picture of these five people who help us write their names under each picture. यहाँ पर उन्होंने five pictures के नाम picture में देखें और इसमें आप उन्होंने five जो हैं वो people उनके नाम लिखे हैं, जिसमें cobbler, woodcutter, nurse, postman and the doctor. उन्होंने इनके नाम बताए हैं और उसने कहा है write their names और उनके जो है नाम है वो rightly इनके नीचे जो है नीचे जो lines हैं उन पर आप लिखें. लुक एट द पिक्चर ऑफ दीज फाइव पीपल, यानी इन
जो पांच लोग हैं इनकी तस्वीरों को देखें, राइट फाइव पीपल्स एंड राइट देयर नेम और उनके जो नाम हैं अंडर देयर अंडर ईच पिक्चर, यानी हर तस्वीर के नीचे आपने उनके नाम लिखने हैं, जिसमें नाम कौन कौन से हैं, कॉबलर है, वुड कटर है, नर्स है, पोस्टमैन एंड डॉक्टर। सबसे पहले आप देखें तो नर्स नंबर टू पे है, डॉक्टर एंड नंबर थ्री पे है वुड कटर, वुड कटर। और एंड वाले टू पे देखें पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन एंड द लास्ट वन इज कोबलर। ये थे, लुक एट द पिक्चर्स, आपने इन तस्वीरों को देखा है और उसके बाद ऊपर कुछ नाम दिए गए हैं ब्लू बॉक्स में, जिसमें उन आपने करेक्टली उनके नाम जो है उनकी तस्वीरों के साथ आपने जो है वो लिखने हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।